2 दिन भारी हिमपात के बाद आज शिमला का मौसम बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छी धूप खिली है, परंतु इसके साथ साथ सड़कों का बुरा हाल है। सड़कों में कोहरा जमा है, इसलिए लोगों को चलने की बहुत बहुत ही मुश्किल हो रही है। ये देखें शिमला के जो जंगल हैं उनमें कितनी प्यारी बर्फ है, कितना अच्छा सुंदर शिमला लग रहा है। घरों के ऊपर, लोगों के घरों के ऊपर बर्फ जमी हुई है और आज शिमला में बहुत ही अच्छी धूप खिली है। ये देखिए शिमला में धूप खिली है, कितनी अच्छी लग रही है। परंतु सामने शिमला का, ये देखें शिमले के जो रिज मैदान है या माल रोड है, जाखू मंदिर है, उसके ऊपर कितनी प्यारी बर्फ गिरी हुई है और यहाँ से शिमला कितना सुंदर लग रहा है। पूरा शिमला बर्फ से ढका हुआ है। इसके साथ साथ ही आज लोगों के घरों में पानी नहीं है, क्योंकि बर्फ से पाइपें जम गई हैं। परंतु 1-2 घंटे के बाद जैसे ही बर्फ थोड़ी पिघलेगी और तेज धूप लगेगी तो लोगों के घरों में पानी आना शुरू हो जाएगा। परंतु इसके साथ ही मैं थोड़ा सा ये कहूँ कि जो हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री जयराम जी हैं, उन्होंने परसों ही विधानसभा में तुरंत पत्रकारों के सवाल के जवाब देते हुए कहा था, हमें एक प्रश्न पूछा था कि जो बर्फ गिरी है इसके बाद क्या होगा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिए थे एडमिनिस्ट्रेशन को कि तुरंत लोगों को उनके हेल्प की जाए, लोगों किसी प्रकार की सड़क अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए। परंतु शिमला एडमिनिस्ट्रेशन ना जाने कहाँ अभी तक सोया हुआ है, क्योंकि शिमला की जो सड़कें हैं बिल्कुल जाम हैं, किसी भी प्रकार की वाहन नहीं चल रही हैं और लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है, जिस कारण उन्होंने ऑफिसों को भी जाना है और जैसे कब दफ्तर जाएंगे, कैसे जाएंगे, लोगों को इस बार एम्प्लॉइज़ को बहुत चिंता हो रही है। इसके साथ ही कुछ लोग जो टूरिस्ट हैं होटलों के अंदर ही हैं, वो भी बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि बाहर सड़क में अभी तक किसी प्रकार का वाहन नहीं चल रहा है। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किए थे कि तुरंत सड़कों को ठीक किया जाए, और इनको चाहिए था एडमिनिस्ट्रेटर को चाहिए था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर जैसे मुखिया कप्तान को चाहिए था कि रात को ही ये आदेश कर देते और कम से कम शिमला के अंदर इस टाइम 10-15 स्नो कटर लगने चाहिए थे। परंतु मैं देख रहा हूँ दूर दूर तक कहीं स्नो कटर नज़र नहीं आ रहा है। ये तो लोकल शिमला का हाल है। इसके साथ ही जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, ठियोग है, बलसन है, कोटखाई है, जुब्बल है, नारकंडा है, वहाँ जो कि 1-1.5 फुट बर्फ गिरी है, वहाँ कब स्नो कटर जाएंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन को जाइए, थोड़ा नींद से जाग जाएं और तुरंत स्नो कटर लगाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश प्राप्त करें, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं उसकी पालना करें। तो हमारा किसी का झुकाव ये नहीं है, हम चाह रहे हैं कि लोग कितने
जो हमारे टूरिस्ट आए हैं, टूरिस्टों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और खुशी खुशी अपने अपने जहाँ से आए वहाँ जाएं। सुरेंद्र सिंह राणा, नेशन न्यूज़ के लिए, संकट मोचन से। इस प्रकार मैं आपको और भी बता रहा हूँ, ये देखिए शिमला में कितनी प्यारी सुंदर धूप खिली है, तेज धूप। धूप के साथ ही कितनी प्यारी बर्फ। कितना प्यारा सुंदर शिमला लग रहा है, ये देखें। लोग अपने अपने घरों की छतें साफ कर रहे हैं। ये देखिए शिमला का जाखू मंदिर, हनुमान जी की मूर्ति, हनुमान जी की, ये देखो जो बर्फ़ के बीच कैसे अपने टूरिस्टों को और शिमला वासियों को आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि ये बर्फ़ बहुत ज़रूरी थी। इसमें लोगों को पानी, ऊपर वालों को सेबों की, इतनी उनके लिए बहुत अच्छी थी। तो आज शिमला में प्यारी धूप खिली हुई है। सुरेंद्र सिंह राणा, नेशन न्यूज़ के लिए, देखते रहिए नेशन न्यूज़।